नमस्कार दोस्तों, हम जब बाकी कंपनियों की बातें करते हैं तो उनको समझना हमारे लिए आराम हो जाता है, क्योंकि वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता है जिससे उसके बारे में अंदाज़ा लगाना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो आज हम समझते हैं बैंकों के बारे में। तो कौन बैंकों से ऋण नहीं लेना चाहता है, और वह भी अगर वह कम ब्याज दरों पर आता हो। लेकिन क्या आपको पता है हमें ऋण देने के लिए बैंकों को पैसे कहाँ से मिलते? दरअसल यह हमारा ही सारा पैसा है जो हम बैंकों में जमा करते हैं। इसलिए ऋण लेते समय पालन करने के लिए कई नियम हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? इसका अर्थ है बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को दिया गया ऋण। ऋण बैंक की संपत्ति है, उसका एसेट है। ग्राहकों द्वारा बैंकों में जमा राशि को डिपॉजिट्स कहते हैं। इसलिए जमा राशि बैंक के लिए एक देनदारी है, लायबिलिटी है। इसलिए क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब मोटे तौर पर बैंकों की संपत्ति और देनदारियों का अनुपात या रेशियो है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो या लोन टू डिपॉजिट रेशियो का उपयोग बैंक के नकद प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि उधार देने के लिए बैंक की कुल राशि का कितना उधार के लिए उपयोग किया जा रहा है, जो कि मुख्य बैंकिंग गतिविधि है। क्रेडिट टू डिपॉजिट अनुपात बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत देता है। एक उच्च अनुपात इंगित करता है कि वितरित किए गए ऋण जमा राशि से अधिक है, और कम अनुपात ये बताता है कि वितरित किया गया ऋण जमा राशि से कम है। तो इसका महत्व क्या है? यदि अनुपात बहुत कम है तो बैंक उतनी कमाई नहीं कर सकते जितनी उन्हें करनी चाहिए, और यह भी बताता है कि बैंक अपने संसाधनों को पूरी तरह से नहीं जुटा पा रहे हैं। तो अगर यह अनुपात बहुत अधिक है तो इसका मतलब है कि बैंकों के पास किसी भी अप्रत्याशित फंड आवश्यकताओं को कवर करने के लिए पर्याप्त नकद प्रवाह नहीं है, जिससे देनदारी या लायबिलिटी में मिसमैच भी हो सकता है। एक बहुत ही उच्च अनुपात को खतरनाक माना जाता है, क्योंकि संसाधनों पर दबाव का संकेत देने के अलावा यह बैंक की पूंजी के मुद्दों पर भी संकेत देता है, जिससे बैंकों को अधिक पूंजी जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आदर्श रूप से ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसमें यह अनुपात होना चाहिए, लेकिन यह न तो बहुत अधिक होना चाहिए और न ही बहुत कम होना चाहिए। इसलिए इसे संतुलित श्रेणी में होना चाहिए। क्योंकि हम इसका जब प्रभाव समझते हैं तो यह अनुपात बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य का एक मापदंड है। जब ब्याज दर ज्यादा होता है तो जमा राशि ऋण की तुलना में धीमी गति से बढ़ती है, क्योंकि उच्च ब्याज दरें निवेशकों का अधिक पैसा निवेश करने के लिए उन्नति करती है, जिससे वह बैंक की जमा की राशि को कम करते हैं। इसके विपरीत जब दरें कम होती है तो जमा राशि बढ़ जाती है। ये परिवर्तन क्रेडिट टू डिपॉजिट अनुपात को प्रभावित करते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने बैंकों के मौजूदा अनुपात पर चिंता जताई है, क्योंकि इससे मौजूदा स्तर पर वित्तीय अस्थिरता आ सकती है। तो ये अस्थिरता कैसे आती है, अब इसको समझते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है कुल ऋण राशि यानी टोटल लोन्स को कुल जमा राशि यानी टोटल डिपॉजिट से भाग देते हैं तो हमें क्रेडिट टू डिपॉजिट अनुपात मिलता है। मान लीजिए एक बैंक एबीसी के पास कुल ऋण राशि है 40 लाख, ठीक है, और कुल जमा राशि है 50 लाख। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट अनुपात हुआ लोन 40 लाख और कुल जमा राशि 50 लाख को उससे भाग देते हैं और गुणा करते हैं 100 से, जो आता है 80%। अब यह 80% यह बताता है कि प्रत्येक 100 रुपए जमा पर 80 रुपए उधार पर दिया जा रहा है।
किसी भी बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बैंक का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात है। यह हमें बैंक के नकद प्रवाह की स्थिति के साथ साथ बैंकों द्वारा धन के उपयोग के बारे में भी बताता है। यह समय के आधार पर अन्य बैंकों के साथ तुलना कर समझा जा सकता है। तो चलिए हम ये समझते हैं कि क्यों ये अनुपात संतुलित होना चाहिए। यह अनुपात संतुलित इसलिए होना चाहिए कि अगर लोन बैंक डिपॉजिट से ज्यादा दे रहा है, समझिए अगर लोन अमाउंट है 10 लाख रुपए, ठीक है, और डिपॉजिट है 8 लाख रुपए, तो ये जो 2 लाख रुपए अत्यधिक लोन बैंकों ने दे दिया है, इसके लिए बैंकों को क्या करना पड़ेगा कि और रुपए उधार पे लेने पड़ेंगे ये लोन देने के लिए। इसलिए ये क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। यानी टोटल डिपॉजिट्स के अगर अंदर रहता है, यानी 80% रहता है या 60% रहता है या 70% रहता है, तो ये ठीक माना जाता है। लेकिन अगर ये 100% से ऊपर जाता है तो ये बैंकों के वित्तीय अस्थिरता को प्रॉब्लम में ला सकता है, क्योंकि अब अगर बैंकों के पास में और लोन के लिए डिमांड अगर आती है तो बैंकों को उसके लिए रुपए उधार लेने पड़ सकते हैं उच्च ब्याज पर लोन वालों को देने के लिए। इसलिए ये वित्तीय अनुपात का कोई मापदंड नहीं है, पर ऐसा माना गया है कि ये डिपॉजिट अमाउंट से कम होना चाहिए, लोन अमाउंट, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम स्टॉकेज के माध्यम से 3 बैंकों के लिए कि किसमें समान अनुपात है, यानी 100 से नीचे किस किस का, किन बैंकों का अनुपात है, जिसमें सबसे बगल में कौन आता है। तो उसके लिए हम देखेंगे 3 बैंकों को, एक्सिस बैंक, SBI और कोटक बैंक। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक, और उसके रेशियोज में जाकर के जब हम लिक्विडिटी रेशियोज के तहत क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है 108.29, यानी 100 रुपए के डिपॉजिट पे ये 108 रुपए लेंड कर रहा है। मतलब अगर कहीं और डिमांड अगर लोन की आई तो इसको ज्यादा ब्याज पे बाकी पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि डिपॉजिट से ज्यादा इन्होंने लोन दे दिया है। इसी तरह अब हम चेक करेंगे एक्सिस बैंक को। तो जब हम एक्सिस बैंक में फंडामेंटल में, रेशियोज में, लिक्विडिटी रेशियोज में जा करके जब हम चेक करते हैं क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, तो यहां हम देखते हैं कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है 91.99%, यानी 100 रुपए डिपॉजिट पे इन्होंने लोन दिया हुआ है 91.99%, जो कि कोटक से बेटर है। अब हम चेक करेंगे स्टेट बैंक को कि स्टेट बैंक ने कितना लोन दिया हुआ है, इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या है। तो जब हम लिक्विडिटी रेशियो पे इसका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो चेक करते हैं स्टेट बैंक का, तो वो आता है 75.73, यानी इन्होंने 100 रुपए अगर लोन लिए हैं, अगर डिपॉजिट लिए हैं, तो 75 रुपए ये लोन पे दे रहा है। यानी स्टेट बैंक के पास में अभी भी और स्कोप है लोन देने के लिए, जबकि बाकी और बैंकों के पास में नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करें इन तीनों बैंकों पर, तो स्टेट बैंक अभी भी लोन दे सकता है, लेकिन काफी हाई पे खड़ा है कोटक और एक्सिस। तो अगर हम चाहें कि अब समझना चाहें कि कौन सा बैंक सही है, तो यहाँ पर तो SBI ठीक लग रहा है। तो ये तो हुआ सिर्फ एक अनुपात बैंकों को समझने के लिए। ऐसे ही काफी और अनुपात हैं, जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इंटरेस्ट इनकम टू टोटल फंड्स, काशा रेशियो, NPA, ये सारे अगर बताते हों कि हाँ स्टेट बैंक में आप इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। इस रेशियो के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप जाकर के हमारे blog.stockage.com पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।